हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। मेरी जो टाटा टिगोर में कुछ एक प्रॉब्लम आ गई। रात जो मैंने गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी करी थी और सुबह को देखा जो है इसकी एयर फ्लो डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि क्या वो जो है प्रॉब्लम आई है इसके अंदर। मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट और जो इसके हवा चलाता हूँ तो हवा जो है सिर्फ विंडशील्ड पर आ रही है। अगर मैं इसे सामने की साइड करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने करी, ये फिर से वहीं की साइड ही चली गई और जो आगे की साइड जो है हवा नहीं आ रही। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा, जबकि मैंने फैन स्पीड 6 पे कर रखी है। अगर मैं आगे दिखाऊँ आपको तो ये देखिए, तुरंत ये देखिए, देख रहे हैं ये तुरंत उड़ने लगा। ऐसी यहाँ पे भी आ रही है पर जो है यहाँ की साइड बिल्कुल हवा नहीं है। देख रहे हैं, मैं अगर इसको भी करूँ यहाँ आगे कुछ नहीं, अगर मैं ऊपर करूँगा यहाँ तो यहाँ आएगी, क्योंकि ये हवा जो है इधर की साइड जो है क्रॉस होके आ रही है। अब ये पता नहीं क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। रात जो है मैंने गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी करी थी, सुबह को देखा जो है मैंने एसी आगे साइड करा तो बिल्कुल भी जो है ये वर्क नहीं कर रहा था, आगे आगे हवा जा रही थी। मैं इसको दोबारा करूँगा तो कई बार जो है यहाँ पे एरर भी लिखा हुआ आ जाता है। देखिए एरर अभी आया था लिखा हुआ, ये देखिए एरर। तो पता नहीं क्या ये प्रॉब्लम आई है। मैंने सर्विस सेंटर भी कॉल करा है इसके रिगार्डिंग, तो वो बोल रहे हैं कि इसकी जो मोटर में कुछ क्या पता फंस गया या फिर मोटर नहीं काम कर रही है इसकी। तो मैं सोच रहा हूँ इसको सर्विस सेंटर पर दिखा दूँ, पर मैं उससे पहले ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने लोकल मैकेनिक को दिखा दूँ, ज़्यादातर जहाँ मैं अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाता हूँ। पहले भी अपनी वहाँ पे मैं गाड़ियाँ ठीक करवाता था, जो मेरे पास फोर्ड थी या फिर होंडा सिटी थी, तो पहले भी वहाँ से कराता था। मैं सोच रहा हूँ एक बार वहाँ ही दिखा दूँ, क्यों फालतू में जो मैं पेट्रोल फूकूँ शोरूम तक का, 200-300-400 रुपये लगे मेरे। यहीं जो है छोटा मोटी कोई चीज़ अड़ गई हो मोटर के अंदर, यहीं जो दिखा लूँ। अगर नहीं होता है तो मैं शोरूम पर जाऊँगा और दिखा दूँगा कि आपको जो है क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है आपको भी आ सकती है। तो चलिए चलते हैं पहले भैया के पास, अगर भैया से नहीं होता तो फिर कराता हूँ मैं शोरूम पर। तो मैं भैया की शॉप पे आया था अभी, भैया ने जो ऐसा चेक कर लिया, ठीक भी कर दी है। अगर मैं आपको बताऊं ठीक कैसे करी है तो इसमें कुछ नहीं करा, आए दो हाथ इधर मारे और पता नहीं क्या करा और एक दो बार बटन ऐसे करा और इसकी डायरेक्शन चलनी काम कर गई। मतलब मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल एक्चुअल बता रहा हूँ, चाहता तो मैं ऐसे करके बताता कि हाँ भाई ये हुआ वो हुआ, नहीं मेरे चैनल पर जो जेन्युइन है मैं वही बता रहा हूँ। मतलब उन्होंने यहाँ 2-4 बार हाथ मारा और जो है इसको डायरेक्शन को इस तरीके से किया और जो है ये इसकी डायरेक्शन चलने लगी। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये अभी फ्रंट की चल रही है, अगर मैं ये सामने की दिखाऊं तो ये देखिए, देखिए ये उड़ रहा है ना, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ये देखिए ये उड़ रहा है। कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, वो बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई डस्ट वस्ट चली गई थी, उसकी वजह से इसकी मोटर जाम हो गई है, बस वो डस्ट निकल गई उनके हाथ वाथ मारने से और जो है डायरेक्शन चलाते गए और इधर से जो हाथ मारते गए और अपना भी चल गई। तो कई बार जो ऐसा है कि छोटी मोटी चीज़ ना आप बाहर भी दिखवा सकते हो, पर शर्त ये है कि आप जो है बाहर से ज़्यादा कुछ मत दिखवाइएगा कि भाई आपकी गाड़ी में जो है बहुत सारी मतलब वायरिंग खोल दे। मतलब छोटी मोटी कोई चीज़ ना तो आप अपने आप भी और जो है बाहर से भी दिखवा सकते हो अगर आपको गाड़ियों की नॉलेज है। तो मेरा तो ये काम कर गया, मुझे सर्विस सेंटर जाना नहीं पड़ा, मेरे 300-400 रुपये का तेल फूकता, टाइम ख़राब होता, तो मेरा तो ये काम हो गया। मैं आपको जो है दोबारा से दिखा देता हूँ, अगर मैं नीचे की डायरेक्शन की बात करूँ तो नीचे भी अब हवा आ रही है, ऊपर की बात करूँ तो देखिए अब ऊपर भी जा रही है, यहाँ से देखिए बंद हो गई, ये उड़ नहीं रहा, अब देखिए सामने आ गई, ये देखिए। तो मेरे चैनल पे आपको जो है एक्चुअल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं मिर्च मसाला डाल के बता दूँ, जो है आपके सामने है। तो मैं हमेशा अपने चैनल पर सिर्फ यही रखता हूँ कि कोई भी वीडियो बनाता हूँ या फिर कोई भी अपनी गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो है आपके सामने, ठीक होएगी तो होएगी, नहीं होएगी तो नहीं होएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।